10 class 9. How are you all? Hope all are fine. Now we are going to continue our fourth chapter, periodic classification of elements, and the topic is Lothermere classification. Lothermere classification atomic curve. In 1869 a German scientist Lothermere arranged 56 discovered elements. Periodically describe the relationship between atomic masses and atomic volume. Basically Lothermere classification based करता था atomic mass और atomic volume के दरमियान. उसने बताया arrangement of elements जो है periodicity of their atomic volume and atomic masses पे based करते हैं. इसने एक curve बनाया था. अब वो हम curve पढ़ते हैं. He plotted a graph between atomic volume of elements against atomic masses. The curve obtained consists of sharp peaks and broad minima. He observed that the elements with similar properties occupied similar position on the curve. उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे वो सिमिलर पोजिशंस के कर्व पर होंगे. फॉर एग्जाम्पल द हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटाशियम रोमिनियम एंड सीजियम ऑक्यूपाई द पीक्स शोइंग दैट दीज एलिमेंट्स हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम. अब ये जो हाई पीक्स पे नज़र आ रही हैं वो आप दिख रहे हैं पोटाशियम है, हाई पीक्स पर रोमिनियम है, सीजियम है. यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है एटॉमिक वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ से एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अच्छा उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक वॉल्यूम क्या है. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट. पेरियोडिसिटी क्या है. रिपीटेशन सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेशन है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल गैप इसको पेरियोडिसिटी. मेंडेलीव पीरियोडिक क्लास की तरफ. मेंडलीव बेसिकली एक रशियन केमिस्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. इसने बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल बताया था. देखो बेटा हर साइंटिस्ट आया उसने अपने तौर पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की. जैसा सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था क्या कहते हैं हमने ट्राइड्स के बारे में पढ़ा. फिर हमने पढ़ा जो है न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव के बारे में. फिर अब हम पढ़ने फिर हमने लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन पढ़ी. फिर हम पढ़े मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसमें एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसने पीरियोडिक फंक्शन बताया. उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स होती है. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एवरी नाइन्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट. हर नाइन्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर होता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ. मेंडलीव अरेंजमेंट के एलिमेंट्स में उसने बताया 12 हॉरिजॉन्टल रॉज है जिसे पीरियड्स कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल रॉज जो होती है वो पीरियड्स होती हैं और वर्टिकली जो अरेंजमेंट होती है ये ग्रुप्स होते हैं. यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स है और लेफ़्ट टू राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल रॉज है. ये हॉरिजॉन्टल रॉज हो गई लेफ़्ट टू राइट और ये वर्टिकली अरेंजमेंट हो गई ऊपर से नीचे. पीरियोडिक फंक्शन मीन नाइन्थ एलिमेंट इज सिमिलर. उसने कहा हर नाइन्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के साथ. मेंडलीव अरेंजमेंट एलिमेंट्स एंड उसने कहा 12 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसे पीरियड्स कहा गया. 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे ग्रुप कहा गया. 8 ग्रुप्स ऑफ द फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स. अब हम पढ़ते हैं सीलिएंट फीचर्स या एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में. ही अरेंज एलिमेंट्स इन 8. उसने कहा 8 वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स है एंड 12 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स है. एलिमेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल एलिमेंट्स इन अ पीरियड मे शो पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. उसने कहा एलिमेंट जो ग्रुप में है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं लेकिन एलिमेंट जो पीरियड्स में है वो पीरियोडिक ट्रेंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस. उसने बहुत सारे वेरी डिस्कवर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया लेकिन उसने क्या लेफ्ट कर दिया. ही लेफ्ट मैनी वीकेंड स्पेसेस. He left many vacant spaces, undiscovered elements. He predicted the physical and chemical properties of some elements like eka bromo aluminium and eka silicon. After the discoveries of these elements, their properties were same. उसने कहा कि डिस्कवरी के बाद उसे ये पता चला कि प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी सेम है. जो मेंडलीव ने ये बताया ये प्रिडिक्ट किया. दे हैव बीन नेम्ड एज उसने कहा ईका स्कैंडियम ईका बोरॉन गैलीनियम ईका एल्युमिनियम एंड जर्मेनियम ईका सिलिकॉन का नाम दिया.
ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं मैक्सिमम वैलेंस नंबर से। अच्छा बच्चों देखो, ग्रुप नंबर से ये सजेस्ट किया जाता है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अगर ग्रुप 1A में इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हाइड्रोजन लिथियम तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कैन बी अटेंड बाय द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप, यहाँ आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है। अगर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 एटॉमिक नंबर है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ग्रुप 5 में रखा गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए ये 4 ग्रुप्स में रखा गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन 1 में रखा गया क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखा गया है, लेकिन वैसे हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट रखा गया है क्योंकि जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ 1A से मिलती हैं, कुछ 5A से, कुछ 7A से, इसलिए इसको एक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर ऑफ द पार्ट में रखा गया है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ग्रुप 1A में है, इसलिए ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताई गई है डिफरेंट एटम की कि इन्हें इस ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 6 में रखा गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिपेंसीज़ या डिफेक्ट्स क्या थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के, क्या गलतियां थी, क्या खामियां थी। देर आर सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, उसने कहा एलिमेंट्स हायर एटॉमिक मासेस प्लेस्ड होते हैं बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर मासेस। उसने एटॉमिक मासेस को इस तरह अरेंज किया कि पहले हायर को रखा, लोअर को रखा, लेकिन लोअर पहले होना चाहिए, हायर बाद में होना चाहिए। जैसे उसने आर्गन 40 को पहले रखा बिफोर पोटाशियम, पोटाशियम से पहले उसने आर्गन को रखा, लेकिन पोटाशियम का एटॉमिक नंबर, अब पोटाशियम का एटॉमिक मास कम है 39 है, तो पोटाशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए, इसलिए टेलेरियम 127.5 में प्लेस बिफोर आयोडीन, आयोडीन से पहले उसने टेलेरियम रख दिया। दिस टेबल डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। मेंडेलीव टेबल डज नॉट गिव एनी आइडिया, मेंडेलीव टेबल जो है वो हमें आइडिया नहीं देता स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। डिसिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, डिसिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम ग्रुप पे रखे गए, जैसे अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटाशियम, और प्लेस विद कॉइनिंग मेटल, कॉइनिंग मेटल के साथ जो है वो अल्कली मेटल्स को रखा गया। लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो है वो असाइन किए गए सेम प्लेस में पीरियोडिक टेबल में, वाइल गोस अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ, ये अगेंस्ट पीरियोडिक लॉ के अगेंस्ट है। द चेंजेस इन द एटॉमिक मासेस ऑफ टू सक्सेसिव एलिमेंट्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो एटॉमिक मासेस का चेंज होता है वो दो सक्सेसिव एलिमेंट में ये कॉन्स्टेंट नहीं होते। इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स बाई नोइंग द एटॉमिक मासेस ऑफ टू नोन एलिमेंट्स। कंक्लूजन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस वॉज नॉट करेक्ट। उसने ये कहा कि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो है ये करेक्ट नहीं है। इन अदर वर्ड्स एटॉमिक मास इज नॉट अ फंडामेंट, उसने कहा एटॉमिक मासेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नहीं है। अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, 1914 में बोहर एंड वर्नर बरी प्रपोज किया उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया तो फिर उसने जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लेकर आई। ये किसने दिया, मोज़ले ने दिया। दिस लॉ रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये लॉ जो है वो डिफेक्ट्स बताता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स को रिमूव करता है। स्टेटमेंट क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उनका पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट्स है, यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है पीरियोडिक फंक्शन रखा गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इट वॉज फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। उस पर इसके बाद हम आते हैं पीरियड्स पर। हॉरिजॉन्टल रॉज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। द पीरियड नंबर, जो पीरियड नंबर होता है, शोज द नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। देर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिकली 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और लॉन्ग फॉर्म कहलाते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ 7 डिफरेंट पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट पीरियड जो है वो कंसिस्ट करता है 2 एलिमेंट्स के तौर पर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, सो इट्स एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम के 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के की 2 होती है। के शेल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स,
के शेल जो है वो अकोमोडेट दूसरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। हीलियम प्लेस्ड होता है 8 और 0 ग्रुप में। हीलियम शो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेबल होता है एंड इंक्रीज ड्यू टू फिल्ड शेल। अच्छा बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में हम कहते हैं ना, हम जैसा फॉर एग्जांपल हम अपनी लाइफ के बारे में कहते हैं कि भाई हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव होना चाहते हैं, यानी हम अपनी एक वेल ऑफ लाइफ गुजारना चाहते हैं ना कि भाई हमारे पास सब कुछ हो, ईच एंड एवरी थिंग हो, बैंगलो गाड़ी हर चीज़ हो, तो दैट्स मीन कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम स्टेबल होना चाहते हैं। इसी तरीक़े से हर एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहता है। तो जाहिर बात है स्टेबिलिटी का मतलब है हर चीज़ का होना। और हमेशा याद रखो जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, अनस्टेबल आइटम या एलिमेंट्स होते हैं, वो जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो स्टेबल होते हैं वो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। इसलिए अगर हम नोबल गैसेस को देखें तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनके पास इतनी टेंडेंसी होती ही नहीं कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, ना ही वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना ही वो डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड पर आ जाओ। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है। देयर आर 8 एलिमेंट होते हैं इनके जो है वो पीरियड्स में। हर पीरियड में ईच एलिमेंट प्लेस्ड इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। द एलिमेंट इंक्लूडेड इन दीज पीरियड्स आर सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ फिफ्थ पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। अच्छा बच्चों, इस तरह से ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में आते हैं, फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड द डैश पीरियड, फोर्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है। ही इंक्लूडेड 18 एलिमेंट्स, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। 8 आर कॉल्ड नॉर्मल, 8 जो होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और द रिमेनिंग 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, यानी ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ग्रीन, येलो, डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। क्रोमियम ग्रीन में होता है, निकल क्रोमियम ब्लू में होता, क्रोमियम ग्रीन में होता है, निकल ब्लू में होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू में होता है। इस तरह डिफरेंट जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी ट्रांजिशन की वजह से ना, एलिमेंट्स की ट्रांजिशन होती है, एटम जो है जंप करते हैं, क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो जिसकी वजह से इनकी ट्रांजिशन की वजह से इनकी वैलेंसीज जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। वेरिएबल वैलेंसीज होने की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स में आते हैं पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैरेन, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अच्छा अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए हमारे, वो मानते हैं सिक्स पीरियड की तरफ। सिक्स पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, और ये कंसिस्ट करता है 32 एलिमेंट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ 8 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो कि लैंथेनाइड और रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में जो है ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आउटर ट्रांजिशंस में ये होते हैं, इनर ट्रांजिशन लैंथेनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड्स में ये चंद एलिमेंट पाए जाते हैं। सेवन पीरियड में इनकम्प्लीट होता है। इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स, विच 14 इनर ट्रांजिशन में आर एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, सम ऑफ देम हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पीरियड्स बताए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए गए हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है। 2 पीरियड है, सेकंड फर्स्ट नंबर ऑफ पीरियड है, 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से हीलियम पे एंड हो रहा है। सेकंड पीरियड है, 8 एलिमेंट्स है इसमें, और लिथियम से नियॉन पे एंड हो रहा है, सोडियम से आर्गन पे एंड हो रहा है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड पोटाशियम से क्रिप्टॉन पे एंड हो रहा है, और सिक्स पीरियड सीजियम से प्रोटॉन पर होता है। सेवन पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। ग्रुप्स के बारे में आ जाओ। द वर्टिकल कॉलम जो है वो पीरियोडिक टेबल के, जितने वर्टिकल कॉलम होते हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ
एटम्स अरेंज होते हैं, ये बेसिकली ग्रुप्स कहलाते हैं। द ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ये जैसा कि पहले बताया कि ग्रुप नंबर शो होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। एलिमेंट विद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। एटम एलिमेंट्स जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रखते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, इन्हें स्पेस किया जाता है सेम ग्रुप में। ग्रुप नंबर वैलेंस नंबर कहलाता है। द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल बेसिकली 8 ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, कैप्टन ए सब ग्रुप एंड ट्रांजिशन एलिमेंट बी ग्रुप कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ हम जो है ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।